जैसा कि आपको संज्ञान में हो कि कल आफ्टरनून की घटना है, जब हमारे एसआई शेख मतीन साहब वहाँ पे नाके पे चेकिंग कर रहे थे, उसी वक्त सूचना मिली थी कि कुछ दो लड़के यूपी से शराब तस्करी करते हुए हमारे बॉर्डर में आएंगे। तो उसी उन्हीं को मौका पे उन्होंने पकड़ लिया था। उन्हीं जो दो युवक थे, चाड़ी राजा और प्रभु केवट, इनके कुछ साथी लोग वहीं पास में सफ़ेद रंग की ब्रेजा गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने इन्हीं दो लोगों को पुलिस से छुड़ाने का प्रयास किया। और इसी दौरान उसमें कैलाश जड़िया, बबलू खान, सुमन खंगार और भैयालाल कुशवाहा, इन चारों ने, इन सभी लोगों ने मिलकर जो हमारे एएसआई शेख मतीन साहब थे, उनके साथ मारपीट करी और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर किडनेपिंग करने का प्रयास किया। इसी वहाँ पे फिर अन्य लोग भी मौजूद थे, तो जब ये ले जाने लगे उनको, तो उनके शोर शराबे और हल्ला के चलते इन लोगों ने उनको वहाँ पे छोड़ दिया और वहां से ये भाग निकले। जो गाड़ी थी ब्रेजा व्हाइट रंग की, उसके पीछे पत्रकार होने का उन्होंने सिंबल लगा रखा था, बीके न्यूज चैनल का, उस पर उन्होंने अपना लिख रखा था कि उसके पत्रकार हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी, जो एएसआई शेख मतीन साहब हैं वो लॉकडाउन के पालन करवाने के लिए बॉर्डर पे चेकिंग पे गए हुए थे, और साथ ही साथ एक इलीगल एक्टिविटी को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उस दौरान इन आरोपियों ने उनके ऊपर हमला किया, उनके साथ मारपीट करी और तथा किडनैपिंग करने का के लिए गाड़ी में बैठाया करा। इसी गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही हमने पार्टियां बनाई थी और इनके सभी जो ठोर ठिकाने थे उन पे दबिश कराई थी। तो इसमें पुलिस को सफलता मिल गई है, सभी 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जो गाड़ी जिसका उपयोग किया गया था वो भी जब्त कर ली गई है, और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग शराब तस्करी करके यूपी से आ रहे थे वो भी जब्त कर ली गई है, और सभी को आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी इसी चीज के ऊपर भी विवेचना बढ़ाई जाएगी कि ये पत्रकारिता की कितने सत्यता थी, जिस चैनल का ये अपना बोर्ड लगा के घूमते थे उससे इनका क्या संबंध था, या अभी करंट में पत्रकार थे भी, या इनका वैधता वाला प्रमाण पत्र है या नहीं, इन सब के ऊपर भी विवेचना की जाएगी। सर, किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया? ये कल रात में जो हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, 323, 294, 506, 353, 332, साथ ही साथ किडनैपिंग के साथ 364 भी लगाई है उसमें आईपीसी के साथ। सर, इसमें ये भी आ रहा है सुनने में कि बंदूक की नोक पर तक कुछ अपराध हुआ है, क्या उसमें किसी हथियार का उपयोग हुआ है? देखिए, घटना के समय हमारे एएसआई को बंदूक के नोक पे नहीं किया गया था, वो मैसेज प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में मैं अभी खंडन कर दूं कि हमारे जो प्रथम बयान जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें कहीं पे भी किसी प्रकार से उल्लेख नहीं है।